एक पीस मार्च जो कि ले से दिल्ली तक हो, जिस तरह से अनशन हमारा महात्मा गांधी जी के नक्श कदमों पर था, एक बहुत ही शांतिपूर्ण अपना मुद्दा रखने का तरीका, वैसे ही ये पीस मार्च भी गांधी जी के सिखाए हुए रास्ते पे है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने वादे किए हैं, साफ तौर पर वादे किए हैं, तो उन्हें याद दिलाने के लिए ये मार्च। हमारी उम्मीद है कि इलेक्शंस के बाद अब सरकार दोबारा से सेटल हो गई है, तो वो हमारे लीडर्स को बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बुलाएं, और उसी को जोर देने के लिए हमने ये कहा था कि अनशन हम दोबारा भी करने पे मजबूर होंगे अगर लीडर्स को बुलावा नहीं आया। मगर फिर भी जब लीडर्स का मीटिंग हुआ तो उन्होंने और वक्त देने का फैसला किया, तो इसलिए हमने स्थगित किया। मगर जितना वक्त दे रहे हैं उस दौरान हम अनशन जैसे थोड़ा एक्सट्रीम कदम ना उठाकर एक पीस मार्च जो कि ले से दिल्ली तक हो, जिस तरह से अनशन हमारा महात्मा गांधी जी के नक्श कदमों पर था, एक बहुत ही शांतिपूर्ण अपना मुद्दा रखने का तरीका, वैसे ही ये पीस मार्च भी गांधी जी के सिखाए हुए रास्ते पे है। जैसे उन्होंने 25 दिन का मार्च किया दांडी के लिए, नमक मार्च जिसे कहते हैं, वैसे ही ये 1 महीने का 30 दिन का मार्च होगा, और 2 अक्टूबर को दिल्ली में हम आग्रह करेंगे हमारे भारत के नेताओं से और सरकार से। तो 2 अक्टूबर जो है वो दिल्ली के लिए क्यों चुना, उसके बारे में बोलिए। यही कि जो हमारा मुद्दा है वो जायज है, वो लोकतंत्र के हिसाब से और पीसफुल, पर्यावरण के हिसाब से और बहुत ही शांतिपूर्ण है। हम कोई अलग रास्ता नहीं बल्कि महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। उसे और अंडरलाइन करने के लिए हमने ये तरीका ही नहीं बल्कि दिन भी इस तरह चुना कि 2 अक्टूबर को हम देश से ये आग्रह कर सकें, खासकर सरकार से, कि जिस तरह से लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण तरीके से सालों से आग्रह करते आ रहे हैं उस आवाज की भी अहमियत हो, महत्व हो, नहीं तो लोग फिर अशांतिपूर्ण तरीकों का ही ध्यान देंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके को और खासकर उन्हें ये बताने के लिए कि इसकी भी सुनवाई हो, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने वादे किए हैं, साफ तौर पर वादे किए हैं, तो उन्हें याद दिलाने के लिए ये मार्च। तो इस यात्रा में कितना लोग जुड़ने का अंदेशा है? अपील तो ये है कि 100 कम से कम जुड़े, और जैसा अभी काले ने कहा कि अगर खेती किसानी के वजह से और टूरिज्म अभी सीजन चल रहा है इस वजह से कुछ दिक्कत हुई तो डेट्स में फेरबदल किया जा सकता है, वरना कम से कम 100 हो। आपको बताऊं गांधी जी के दांडी मार्च में 78 लोगों के साथ उन्होंने शुरू किया था, हम यहाँ पर 100 की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है लोग अपना फुर्सत निकाल के इस मुहिम में साथ देंगे।